लुक सुहानी, मेरा मकसद है बिजनेस करना, सिर्फ बिजनेस करना, और बिजनेस का मतलब होता है मुनाफा। लेकिन इससे आपको क्या फायदा हो सकता है? एक नहीं दो फायदे हो सकते हैं। मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए एक ऐसी मॉडल की तलाश थी जो दिखने में एक आम लड़की जैसी हो, यू नो लाइक द गर्ल नेक्स्ट डोर, जस्ट लाइक दैट। लेकिन ऐसी लड़की तो आपको और भी कई मिल सकती है, फिर मुझे चुनने की वजह? एक खास वजह है। मैदान चाहे बिजनेस का हो या खेल का या फिर युद्ध का, एक बात कॉमन होती है, अगर जीतना है तो सामने वाले का ध्यान भटका दो। संजना गुजराल ने एबी से दुश्मनी मोड़ ली है। तुम कामयाब ना हो सको इसलिए उसने एबी को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें अपनी मॉडल चुना है तो वो तिलमिला उठेगी, और उसकी यही तिलमिलाहट मुझे मेरे बिजनेस में जीत देती रहेगी। मेरा मकसद है संजना गुजराल का बिजनेस से ध्यान हटाना, और तुम्हारा मकसद है उसे बदला लेना। तुम अपना मकसद पूरा करो और मैं अपना मकसद पूरा करती हूँ। क्यों, मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। Then let's shake hands. कल की शाम तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली है, ऐसा मोड़ जो सीधे चलकर संजना गुजराल की बर्बादी पर खत्म होगा। All the best. हमारी गाड़ी तुम्हें घर छोड़ देगी। मिस्टर शर्मा। यस मिस्टर वर्मा। मैडम कुछ ज्यादा ही चौके छक्के नहीं मार रही? गलती से गलत बॉल पर गलत बल्ला अगर घूम गया तो बाउंड्री पर गलत कैच हो जाएगी। ओड़े ब्रेन मिस्टर वर्मा, ओड़े ब्रेन। कैच कैसे होगा मिस्टर वर्मा? मैडम तो क्रिकेट खेलती नहीं। ब्रिलियंट। जिंदगी ये जिंदगी यूं खुल के जी लो तुम, ख्वाबों को इन ख्वाबों को बाहों में भर लो तुम। जिंदगी ये जिंदगी यूं खुल के जी लो तुम, ख्वाबों को ख्वाबों को बाहों में भर लो तुम। साथ अपने जमाना गाए जाने जा, इंद्रधनुष के रंग चुराए, हर किसी को अपना बनाए, हर कदम अपनी लिख जाए दास्तां, राह पे छोड़ के अपने निशान। मैं बनूंगी मिस इंडिया। फेंकना जल्दी कार्ड यार। रुकना भाई, ये बड़े दिमाग वाला काम है भाई। ए लुक्का, तेरे पास कब से दिमाग आ गया? ये ले भाई, आ गया। भाई आजकल अपुन के एरिया में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है भाई। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसमें होएगा कौन है? चल चल देखते गाड़ी में है कौन।
राजा। ये सुहानी। राजा, भगवान ने आखिर तुम्हारी बात सुन ही ली। मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत बड़ा। एक कॉस्मेटिक कंपनी है जिसकी बॉस है देवयानी चौहान। उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट के लिए मुझे मॉडल चुना है, मुझे। और ये गाड़ी देख रहे हो राजा, ये गाड़ी भी उसी कंपनी की है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं खबर माँ को सुनाकर अभी आती हूँ, ठीक है? भाई, ये सुहानी किसका नाम बोल के गई है? किसकी मॉडलों के लिए ये? अपन के अभी भाई का नाम लिया ही नहीं इसने यार। ए, लुखा, अभी हो या कोई और हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सुहानी मॉडल तो बन गई ना, कम से कम खुश तो है ना वो। अपने को और कुछ नहीं चाहिए, समझा लुखा? समझ गया भाई, सब कुछ समझ गया। हाँ माँ, उनका नाम देवयानी चौहान है और उन्होंने उन्होंने मुझे मॉडल सिलेक्ट किया। माँ, एक बार तो मैंने सोचा कि भगवान ने सच्चाई का दामन छोड़कर बुराई का दामन थाम लिया हो, लेकिन अगले ही पल भगवान ने देवयानी चौहान को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या? देवयानी चौहान? सुहानी, ये देवयानी चौहान कौन है? उनके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती माँ। हाँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल करना चाहती है? माँ, अपने अपने मकसद के लिए हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इस्तेमाल करता ही है। जैसे आप मुझे देख लो, मैं संजना गुजराल तक पहुँचने के लिए देवयानी चौहान को अपनी सीढ़ी बना रही हूँ। इसी तरह से अपनी बिजनेस की ऊंचाई तक पहुँचने के लिए देवयानी चौहान मुझे सीढ़ी बना रही है। सौदा तो बराबरी का है ना माँ? हे भगवान, मेरी बच्ची कैसे बातें कर रही है? कल तक जिस सुहानी को मैं जानती थी, क्या मैं आज उसी से बात कर रही हूँ? कल तक तो मैंने इंतकाम के पंख नहीं लगाए थे माँ, लेकिन आज पूरा आसमान नीला है और जब मैंने उड़ने की ठानी ली है तो ऊंचाई से कैसा डरना माँ। जितने ही मेरी लड़ाइयों के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही मेरे हौसलों के पंख भी बुलंद होते जा रहे हैं माँ। इस लड़ाई में एबी ने मेरा साथ देना चाहा था, लेकिन उस संजना गुजराल ने उसे बर्बाद कर दिया। ये तो क्या कह रही सुहानी? हे भगवान, कैसी औरत है ये? संजना ने एबी को भी बर्बाद कर दिया। हाँ, और अब संजना गुजराल की बारी है। अब संजना गुजराल को अपने किए हुए एक एक कर्मों का हिसाब देना होगा। बस अब मुझे इंतजार है तो कल शाम का। कल की शाम संजना गुजराल की जिंदगी की एक यादगार शाम होगी। यादगार शाम? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी खबर बिल्कुल पक्की थी मैम। देवयानी चौहान ने अपने प्रोडक्ट के लिए जिस मॉडल को चूज किया वो कोई और नहीं, सुहानी सहाई है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चूज करने वाली है। तुमने जो कुछ भी सुनाया बिल्कुल ठीक सुना है। जुली, शाम को वो इंडोनेशिया की पार्टी आ रही है, प्लीज प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। ओके सर। पापा, इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे? हाँ, मैं एक बिजनेसमैन, बिजनेस करता हूं तो गैंबलर की तरह, और खास तौर से तब जब हमारे ताश के पत्ते बहुत जल्दी जल्दी विषफल हो रहे हैं। वो तो मैं देख रही हूँ पापा। देवयानी चौहान कुछ ज्यादा ही रफ्तार से हमारी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, वरना वो सुहानी को अपनी मॉडल कभी नहीं बना। ये महज एक इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। You are right. You are absolutely right. मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। देवयानी चौहान ने सुहानी को अपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल चुना है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बहुत सोचा और समझा हुआ कदम है। जरा सोचो बेटा,
जब से सुहानी हमारी जिंदगी में आई है, हमने हमेशा उसे कुचलने की, उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसे हर कदम पे कामयाबी मिली और हमें हार। क्या नहीं किया हमने उसके साथ, लेकिन हर बार तकदीर उसकी हिफाजत करने चली गई। और यहां तक कि उसकी वजह से तुमने अपने पति को भी खो दिया बेटा। ये एक इत्तेफाक नहीं, मैं तो कहूंगा कि तकदीर उसका साथ देगी हमेशा। और मेरी बात मानो, तुम भी अभी स्वीकार कर लो बेटा। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा आप एक सुलझे हुए बिजनेस में हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं, मैं एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन हूं, उसी नाते मैं ये कह रहा हूं। देखो, मैं भी तो नहीं जानता था कि सुहानी से हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सृष्टा के लिए सुहानी को मॉडल चुना। अभी को तो हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन सुहानी का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी नहीं। वो अभी की तृष्णा तो नहीं बन पाई, लेकिन तकदीर ने उसे दिव्यानी चौहान का ब्रांड एम्बेसडर जरूर बना दिया। तकदीर ने नहीं पापा, देवयानी चौहान ने, देवयानी चौहान ने उसे बनाया, और देवयानी चौहान उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाना चाहती ताकि वो हमारे दिल को चोट पहुंचाए। हाँ पापा, और वो वही कर रही है। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? पापा शायद आपने इस बात पे गौर नहीं किया, वो अलग अलग तरीके से हमारे जज्बात को धक्का देने की कोशिश कर रही है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखलंदाजी कर रही है। और जो इंसान किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखलंदाजी करता है, वो बिजनेस नहीं करता, उसका मकसद कुछ और होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो बिजनेस नहीं कर रही है, वो कुछ और ही चाहती है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था इनके साथ। आज तो जैसे उन्हें इस तरह के दौरे पड़ने लगे। चार चार वार्ड बॉयज और चार चार नर्सेस उनको काबू में नहीं रख पा रहे थे। मजबूरन हमें उन्हें इलेक्ट्रिक का शॉक देना पड़ा। सब पागल ऐसे ही बोलते डॉक्टर। लगता है ये बेहोश हो गई है। तुम्हारी एक एक तड़प, एक एक चीख, एक एक चोट का बदला मैं लूंगी मां। शिनू ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया और तुमसे तुम्हारी जवानी छीन। उनकी जिंदगी से मैं एक एक खुशी छीन लूंगी माँ, एक एक खुशी, वो हर खुशी जो गुजराल खानदान के हिस्से की है। अब हमारे हिस्से की होगी माँ,
हमारे हिस्से की। अरे इतने सालों से हमारी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर वन है, हमें किस बात का खतरा है? एक्सक्यूज मी सर, या मिस देवयानी चौहान आपसे मिलना चाहती हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, भेजो उन्हें। ओके सर। देवयानी चौहान वो यहां क्या करने आई है? मॉर्निंग मिस्टर इंटरनेशनल में मेहमानों का स्वागत क्या हैरान भरी नजरों से किया जाता है मिस्टर कुशवाहा? मेरी आंखों में हैरानी नहीं, सवाल है मिस देवयानी चौहान। सवाल? कैसा सवाल मिस्टर कुशवाहा? सवाल बहुत सिंपल है। क्विंस इंटरनेशनल की बराबरी में खड़े होने की हिम्मत रखने वाली मिस देवयानी चौहान क्विंस इंटरनेशनल की दहलीज पर क्या कर रही है? क्योंकि मिस संजना गुजराल, हमने अपने बुजुर्गों से ये सीखा है कि उस दहलीज को कभी ना छोड़ो जहां से कामयाबी का रास्ता शुरू होता हो। अब देखिए ना मिस्टर गुजराल, अगर आपकी बेटी ने 100 करोड़ की कंपनी को 600 करोड़ में नहीं खरीदा होता तो मुझे अपनी कंपनी शुरू करने के लिए 500 करोड़ का फाइनेंस कहां से मिलता? अब आप समझे कि मैं इस दहलीज पर क्यों खड़ी हूं? माइंड योर बिजनेस, ओके? मुझे तुम्हारे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ बताओ कि तुम यहां पर क्यों आई हो? ओह कम ऑफ संजना गुजराल, तुम तो दो ही मुलाकातों में बेतकल्लुफ होने लगे। मिस्टर गुजराल, क्या आपने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि बिजनेस की राइवलरी दिमाग से होती है, जुबान से नहीं? और फिर हम तो सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं, कोई दुश्मन भी नहीं है, क्यों मिस्टर गुजराल? Like and subscribe our DigiTube.